अफगानिस्तान में भारत और चीन के बीच नया बवाल शुरू हो गया है। अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में आए, लेकिन भारत के आने से पहले ही चीन ने अफगानिस्तान में एक बड़ा प्रोजेक्ट हथिया लिया है। चीन के इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में जाने से हिचक रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता हासिल कर लेने के 15 महीने बाद भी भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान ने भारत को निवेश का न्योता दिया है। तालिबान भारत से निवेश की गुहार लगा रहा है, भारत से मदद मांग रहा है। तालिबान ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में निवेश करे और नई शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को शुरू करे। तालिबान का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत के तालिबान से अभी तक कोई औपचारिक रिश्ते नहीं हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तालिबान खुद ही बोल रहा है कि भारत अफगानिस्तान के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त के महीने में हुए हिंसक सत्ता परिवर्तन के 2 ही दिन बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास को बंद कर दिया था और सभी अधिकारियों को वापस भारत बुला लिया था। लेकिन इसी साल जून में भारत ने अपनी एक टीम को अफगानिस्तान भेजा। भारत ने इस टीम को मानवीय सहायता के लिए दी जा रही चीजों के सही वितरण करवाने के लिए भेजा था, और अचानक इसी टीम के पास तालिबान पहुंच गया। तालिबान ने इसी टीम से मुलाकात कर भारतीय निवेश और परियोजनाओं के मुद्दों पर बात की। तालिबान ने भारत से नए निवेश के अलावा उन प्रोजेक्ट्स पर भी काम दोबारा शुरू करने के लिए कहा था जिन्हें भारत ने बीच में ही छोड़ दिया था। तालिबान ने आश्वासन दिया है कि अगर भारत अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू करता है तो भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी। आपको बता दें कि भारत तालिबान के साथ किसी परियोजना पर काम करेगा या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। भारत के तालिबान से कभी भी औपचारिक रिश्ते नहीं रहे हैं। अब अगर अचानक भारत इन परियोजनाओं को शुरू करता है तो विदेश नीति में ये एक बड़ा बदलाव होगा। इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। भारत को यहाँ फूक फूक कर कदम रखना होगा, लेकिन देरी करना भी भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि रूस और चीन पहले ही तालिबान को स्वीकार कर चुके हैं। चीन ने तो हाल ही में अफगानिस्तान में तेल खनन का एक ठेका भी हथिया लिया है। ये सौदा 25 साल की अवधि के लिए हुआ है। चीन ने इसे दोनों देशों के लिए एक अहम प्रोजेक्ट बताया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कुछ वजहों के कारण भारत अफगानिस्तान में जाने से हिचक रहा है।